हाँ ठीक है, मुझे बता देना कुछ हो तो। ठीक है ठीक है जी, बताइए। वो डॉक्टर, अबॉर्शन के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कोई स्पेसिफिक रीजन? एक्चुअली ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी है छोटी, ये मेरी बहन है, तो घर में लड़कियाँ। बस इसीलिए कि घर में एक और लड़की आ जाएगी तो आपकी सिरदर्दी बढ़ जाएगी। आ गए अबॉर्शन करवाने, शर्म आती है आपको? आप जैसे केसेस रोज आते हैं हमारे पास, और आप आए भी किसके पास अबॉर्शन के लिए? एक डॉक्टर जो कि खुद एक औरत है। बेटा आप क्या करते हो? जी मैं इस साल सीए का फाइनल ईयर करूंगी। सीए? बेटा आप कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। कितने परसेंटेज आए थे आपके? 95। कल को क्या बनना बड़े होके? लॉयर। आपके खुद के घर में एक सीए है, कल का एक ब्राइट फ्यूचर बैठा है, आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी लड़की अबॉर्ट कर दूं? आप जैसे घटिया सोच वाले लोग लड़का चाहते हैं और कल को वही लड़का बड़ा होकर इन मासूम लड़कियों का रेप करता है। एग्जैक्टली डॉक्टर, एग्जैक्टली सही कहा आपने। मैं यही नहीं चाहता कि मेरी बेटियों का कोई बड़े होकर रेप करे, इसलिए आज मैं लड़की का नहीं लड़के का अबॉर्शन कराने आया हूं। क्योंकि डॉक्टर मुझे डर है, मुझे डर है इस बात का कि कल को अगर मेरा बेटा होगा तो वो भी बाकी लड़कों की तरह लड़कियों को छेड़ेगा, जैसे इसे छेड़ा जाता है जब ये सीए की क्लासेस देने जाती है। डॉक्टर डर मुझे इस बात का भी है कि मैं अपने बेटे को कितनी ही अच्छी परवरिश दे दूं, कितना ही पढ़ा लिखा दूं, लेकिन किसी गलत संगत में पढ़कर या नशे में पढ़कर किसी और की बहन का रेप करे और घर आके अपनी बहन से राखी बनवाए। और डॉक्टर नौजवान तो नौजवान, ये दरिंदगी 50 साल के बूढ़े तक में दिखती है, जिसकी वजह से ये मेरी बच्ची पार्क में जाने से डरती है, क्योंकि वहां का माली इसको प्यार करने के बहाने इधर उधर हाथ लगाता है। और डॉक्टर मेरे घर अगर 10 बेटियां भी हो जाए ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, बस मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर कोई जानवर पैदा हो। और मुझे तो शिकायत यहाँ के समाज और सोसाइटी से है, जहां रेप के बाद सवाल लड़की पे उठाए जाते हैं, जिल्लत लड़कियों को उठानी पड़ती है, ताने लड़कियों को मारे जाते हैं। वजह, कभी इनके कपड़े छोटे पड़ जाते हैं या यूं कहूं कि कुछ लोगों की सोच छोटी पड़ जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बोलने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है कि बेटी बचाओ? और इसी वजह से आज मैं यहां पे हूं आपके पास, क्योंकि मैं उस जड़ को ही खत्म करना चाहता हूं जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ता है कि बेटी बचाओ। चंद मोमबत्तियां जला देने से, मोर्चे कर लेने से कुछ नामर्दों के अंदर का जानवर नहीं सो जाएगा, नोच कर खाने की आदत नहीं बदल जाएगी, कुछ इंसानों की सोच पर पड़ा जंग नहीं हट जाएगा।